गाइज, अगर आप एक सी एस सी वेली हैं, अगर आपने अभी तक इस सर्विस में काम करना स्टार्ट नहीं किया तो आपको फ़ौरन से ना इस सर्विस में काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छा कमीशन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 16 रुपये तक का आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा। बात करें इस सर्विस की तो अभी ना इस सर्विस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ भी बढ़ा हुआ, सबसे ज़्यादा इस सर्विस का भी यूज भी हो रहा होगा। मैं बात कर रहा हूँ आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की। और दोस्तों बात करें आज की डेट में, आज के समय में ना तो सबसे ज़्यादा आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बन रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना कॉलेज का एडमिशन भी हो रहा है ई प्रवेश द्वारा, और यहाँ पर ना पर स्कूल में भी एडमिशन हो रहा। तो यहाँ पर ना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके यहाँ पर कस्टमर्स जो ना बनवाने के लिए आएंगे। आप ना आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। तो आप ना किस प्रकार से बनाएंगे तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ना किस प्रकार से बनाना, कहाँ पर आपको ये सर्विस मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको ना इसके लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले ना आपके पास ना डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, तभी जो आप ना इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन आप कर सकते हैं। आपके पास ना डिजिटल सिग्नेचर एंड डिजिटल टोकन होना चाहिए, तभी आप जो ना इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ना किस प्रकार से कहां पर आपको ये सर्विस मिलेगी तो आज की इस वीडियो में आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ना आप लोगों ने सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर आ जाना। जैसे ही आप यहां पर आते तो यहां पर आपको सर्च करना है एमपीई डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप यहां पर आप सर्च करते हैं एमपीई डिस्ट्रिक्ट तो यहां पर आपको एमपी डिस्ट्रिक्ट की सर्विस मिल जाएगी। तो आपको ना यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर आप क्लिक कर देते तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही आप यहां पर आ जाते तो यहां पर आप देख रहे हैं कनेक्ट विद एमपीई डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा देख रहे हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट। तो आपको ना यहाँ पर डिजिटल सेवा से यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से कनेक्ट हो जाऊंगा। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करके आते तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य प्रशासन कानून बाध्यता के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ से ना आप निवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर आप अप्लाई न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ना आप निवास के लिए आप आवेदन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे कानून बद्धता के कारण आय प्रमाण पत्र प्रदाय करना, तो यहाँ से ना आप जो है ना आय प्रमाण पत्र के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाई न्यू पर, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक कर दे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, तो आपको ना इसे नोट डाउन कर लेना है। तो फिर आपको यहाँ पर करना कि आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से ना आप आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, यदि आपने डिजिटल हस्ताक्षर टोकन नहीं बनवाया है तो आप आवेदन को सबमिट नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहिए। यहाँ पर ना डिजिटल टोकन जो है ना यहाँ पर लगता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था कुछ इस प्रकार से आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। यह ना इसका काम यह होता है दोस्तों, यहाँ पर इसका जो है ना DFD फाइल बनाना होता है, हमें इसका DFD फाइल बना के इसको अपलोड करना होता है। तो पहले आपको ना डिजिटल सिग्नेचर बनवाना होगा। और दोस्तों बहुत ही सरल है इसका आवेदन करना, आपने से बहुत ही आसान से जो है इसको आप आवेदन आप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको आवेदक की भरनी होगी, तो आपने इसे बहुत ही आसानी से अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके अप्लाई के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि इसको ना किस प्रकार से अप्लाई करना है, किस प्रकार से DSD फाइल बनाना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसकी एक और वीडियो ला दूंगा। यदि आप किसी का आय प्रमाण पत्र बनाते हैं या फिर निवास प्रमाण पत्र बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 16 रुपये तक का आपको यहाँ पर कमीशन मिलेगा, और यहाँ पर आपका कुछ 13 रुपये आपको यहाँ पर कुछ चार्ज भी कटेगा। तो दोस्तों आप अपने कस्टमरों को जो है आय प्रमाण पत्र बना के आप अच्छी खासी कमाई भी आप सकते हैं। दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट